नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल न्यू गैजेट्स यूज में। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के एक अपकमिंग मॉडल जो कि है सैमसंग गैलेक्सी J6 Plus। आज हम जो है उसके जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। थोड़े ही दिनों पहले जो है सैमसंग ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जो है ये पोस्ट किया था, जहां पर दिखाया गया था कि आपको जो है साइड फिंगरप्रिंट आपको जो है देखने को मिल जाएगा अपकमिंग मॉडल, जिसका नाम हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी J6 Plus। तो सैमसंग जो है अपना J6 Plus जो है इसी मंथ जो है लॉन्च होने वाला है कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं कुछ इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या आपको जो है उस फोन में देखने को मिल जाएगा। तो सैमसंग जो है अपने एक पुराने डिवाइस जो कि है सैमसंग गैलेक्सी J6 का अपग्रेड मॉडल जो है लॉन्च करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी J6 Plus के नाम से। वो सैमसंग गैलेक्सी J6 Plus जो है इसी मंथ जो है लॉन्च हो सकता है, जो कि है सितंबर 2018 के अंदर। क्या क्या अपग्रेड आपको जो है उस फोन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको जो है डिस्प्ले साइज एक तो आपको इंक्रीज मिल जाएगा, जो कि सैमसंग गैलेक्सी J6 Plus में आएगा 6.0 इंच का HD+ डिस्प्ले के साथ में। जहां पर डिस्प्ले यूज करता है सैमसंग वो है सुपर एमोलेड, लेकिन यहाँ पर आपको जो है सुपर एमोलेड देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी J6 में आपको मिलेगी एक TFT डिस्प्ले के साथ में। तो यहाँ पर आपको जो है सैमसंग गैलेक्सी J6 से तो यहाँ पर इंक्रीज कर दिया डिस्प्ले साइज, लेकिन जो है डिस्प्ले क्वालिटी जो है आपको लोअर देखने को मिल जाएगी J6 से और J8 से, जो कि आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करते हैं कुछ डिजाइन की, तो ऑलमोस्ट डिजाइन जो है वैसा ही मिलेगा जो कि है सैमसंग गैलेक्सी J8 का। लेकिन सैमसंग ने जो है सैमसंग इंडिया पेज पे जो है फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया था साइड फिंगरप्रिंट। तो डिजाइन में आपको जो है ये देखने को मिलेगा जहां से हम फोन को अनलॉक करते हैं जो कि साइड की होता है, उस जगह आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब कितना स्मूथली काम करेगा, कितना फास्ट काम करेगा, जब अवेलेबल होगा तभी हम आपको बता पाएंगे कि ये परफेक्टली काम करता है या फिर जो है नहीं करता है। ऐसा ही कुछ फिंगरप्रिंट पहले सोनी के फोन में भी एक बार आया था। इसके अलावा जो है और कुछ फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैमरे की, जो कि आपको मिलेगा इसके अंदर 13 MP का प्लस 5 MP का आपको जो है डुअल रियर कैमरा, जो कि आपको जो है यहाँ पर लाइव फोकस के थ्रू आप बैकग्राउंड को जो है ब्लर कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा सिर्फ इसमें 8 MP का फ्रंट कैमरा। एंड इसके अलावा क्या बचता है वेरियंट, जो कि इस फोन में जो है सैमसंग गैलेक्सी J6 Plus के अंदर जो है सैमसंग सिंगल वेरियंट जो है लॉन्च करने वाला है, जो कि होगा 4GB 64GB। और इसके अलावा बात करते हैं फोन में चिपसेट की, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर चिपसेट हमारे किसी भी फोन की परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग गैलेक्सी J6 में यूज किया गया था एक्सिनोस का 7870, लेकिन यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी J8 में यूज किया गया था स्नैपड्रैगन 450। तो J6 Plus में जो आने वाला है चिपसेट वो भी होगा स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट। तो यहाँ पर जो है आपको परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट, जो कि होगा यहाँ पर ऑक्टाकोर CPU के साथ में। और इसके अलावा बात कर लेते हैं फोन में बैटरी की तरफ, तो आपको यहाँ पर जो है बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि होगी 3300 mAh की बैटरी। तो ये था आज के वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी J6 Plus की कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि लीक होके आ गई है। तो यहाँ पर जो है ये आपको जो है सैमसंग गैलेक्सी J6 Plus सितंबर 2018 में जो है लॉन्च होने की उम्मीद है। और सबसे लास्ट में आते हैं फोन के प्राइस की तरफ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी J6 आता है जो कि है 14,990 का, ऑलमोस्ट 15,000 rupees का 4GB रैम वाला वेरियंट। J8 आता है यहाँ पर 17,000 rupees का। तो यहाँ पर J6 Plus जो प्राइस है, एक्सपेक्टेड प्राइस है, वो हो सकता है यहाँ पर 14,990 rupees, ऑलमोस्ट 15,000 rupees। तो शायद आपको वहां पर जो है सैमसंग गैलेक्सी J6 Plus जो है 14,990 का ही देखने को मिल जाएगा। ये जो प्राइस है वो अभी एक्सपेक्टेड प्राइस है, अभी कंफर्म नहीं है। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या मानना है इस प्राइस के बारे में, इस प्राइस में लॉन्च होगा या कम प्राइस में लॉन्च होगा। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव साथ में, और कमेंट कीजिएगा आपके क्या मानना है सैमसंग गैलेक्सी J6 Plus के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी फोन स्क्रीन पर जो है न्यू गैजेट्स का आइकन देखने को मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।